शैतान ने उनकी बदामालियों को उनकी निगाहों में सजा कर दिखा दिया और उन्हें सही रास्ते से रोक दिया बावजूद कि वो आंखों वाले और होशियार लोग थे नजर कर कबूत की तफसीर की ये आयत नंबर अड़तीस है जिसमे अल्लाह तला ने कौम आद और कौम सम का जिक्र किया कौम आद हजर मौत जो यमन का इलाका है ये बस्ती वहाँ की थी और समूत की बस्ती जिसे आजकल कल मैदान साले कहते हैं ये दोनों बस्तियां तजारती पॉइंट के लिहाज से अरबों की गुजरगाह में थी अरब जब तजारत के लिए जाते थे तो उनके रास्ते में पड़ती थी तो अल्लाह ताला ने इन कौमों का जिक्र करके ये बताया कि देखो तुम जब यमन जाते हो और ये फला बस्ती देखते हो उनके मकानात के निशानात देखते हो तो इनको भी हमने गारत किया किसी के मकान की मिसाल देना कि उसके मकानात ऐसे थे मालूम यह हुआ कि मकान बनाने में वो माहिर थे कितने माहिर थे वो लोग कानू यातल जिबा बोयू था वो पहाड़ों से मकान तराशते थे यानी जिस तरह हम आज और मकान बनाते हैं सीमेंट है सरिया है गिट्टी है और ढांचा खड़ा करते हैं नहीं पहाड़ है पहाड़ में ही नक्शो निगार करके पहाड़ में ही अपना महल बना देते बड़े बड़े पहाड़ों में जाइए गुफे में जाइए तो कुछ मंजर आपको मिलेगा किस तरह से अभी मुंबई के साहिल पे जाइए गेट ऑफ इंडिया से रिफंडा जाइए, औरंगाबाद एलोरा को देखिए, ठीक है ये तो मूर्तियां वगैरह तराशा इन लोगों ने कौम आद ने मकानात बनाए और सरकशी थी ही उनकी तो जाहिर सी बात है कि बुद्ध तो उनके पास रहते ही थे तो अल्लाह ने उनका जिक्र किया कि हमने उनकी सरकशी की वजह से उनको भी हिला कर दिया मकानात बनाया पहाड़ों में मकान बनाते यानी इतनी ताकतवर कौम थी कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता जब किसी को अपनी ताकत पे गरूर होता है ना तो फिर उसके सामने लोग नहीं आते मगर अल्लाह के पास तो बड़ी ताकत है अलकुआतुबरा पावर सुपर पावर अल्लाह के हाथ में है तो कौम आद का अल्लाह ने जिक्र किया वक़त तबैया न उनके जो मकाना तुम देखोगे तो अंदाजा लगा लोगे कि ये लोग कितने ताकतवर लोग थे आज पुरानी हवेलियों में जाइए पुराने मकानात को देखिए पुराने शहरों में बड़े बड़े बादशाहों की हवेलियाँ देखिए इमारतें देखिए तो उससे उनकी शानो शौकत का अंदाजा होता है कि नहीं हमारे मुल्क में जगह जगह हर शहर में आप मैसूर में जाइए बेंगलोर जाइए लखनऊ जाइए या इसी तरह से दिल्ली जाइए तो किले या हवेलियाँ आपको मिलेंगी उससे अंदाजा होगा कि कितनी शान शवकत वाले लोग थे बनाने वाले क्या जोक रखते थे तो अल्लाह ने जब कौम आदो सम को हिलाक किया तो वो मकानात जिन पर वो फख्र करते जिन मकानात को बनने के बाद लोग देखते कि यार क्या मकान बना दिया क्या शानदार मकान तामिर किया हमने उन मकानों के साथ मकानों समेत उन्हें हिलाक किया तो अल्लाह ने उन मकानों का जिक्र किया कि उनको तो नहीं देख सके मर गए हिलाक हो गए उनके मकानात को देख लो कि कितने शान शौकत वाले थे हमने उन्हें हिलाक किया अच्छा हिलाक किया हिलाकत की बहुत सारी वजहों में एक बड़ी वजह क्या थी वजह शैतान ने क्या किया कि उनके बुरे अमल को उनकी निगाह में सजा कर पेश किया जब आदमी बुरा करता है ने? बुराई करता है तो शैतान का एक हरबा यह होता है कभी तो किसी को बुराई की तरफ ले जाएगा बुराई पे चलाएगा ये कामयाबी हो गई कभी कोई बुराई कर रहा है तो उस बुराई को शैतान उनकी निगाह में अच्छा बना करके पेश कर देता है और ये उसके लिए बहुत बड़ी तबाही का सबब बन जाता है ये मामला तो अल्लाह ने उसी का जिक्र किया कि वो जो कुफ्र का काम करते जो मासीत करते सरकशी करते उसको वो अच्छा समझते थे अफा मंजू नम लही फरा हसना अल्लाह ने जिक्र किया कि, कि आपने उसे देखा नहीं जिसकी निगाह में उसका बुरा अमल सजा कर पेश कर दिया जाता है और उसे वो अच्छा समझने लगता है और सबसे बड़ी बुराई उनकी शिरक थी माना अब अल्लाह कि हम तो इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे तो अब इस अमल को वो नक ही समझते थे आज बेदती भी यही करता है ना बेदती बिदअत को तकर्रबल्ला का जरिया समझता है यानि उस बुराई को वो अच्छाई समझता है तो कौम आदो सम का यही मामला था कि ताकतवर भी थे बुराई और सरकशी को अच्छाई समझते थे और उसी पे खुश थे और फिर जब बुराई को अच्छाई कोई समझेगा बिदत को सुन्नत समझेगा शिरक को तोहही समझेगा जुल्म को इंसाफ समझेगा तो फिर उसको तोबा की तोफ़ी नहीं मिलेगी रजू की तोफ़ी नहीं मिलेगी वजयम श्शैतान शैतान ने उनको ऐसा गुमराह किया कि उनकी निगाहों में उनके बुरे अमाल को सजा करके पेश कर दिया तो उसी का अल्लाह ताला ने जिक्र किया कौम आद और समूद का जिक्र करके इस आयत में एक पहला जो मसला साबित होता है आयत नंबर अड़तीस में कि वक्त और हालात के लिहाज से शैतान सबको गुमराह करता है शैतान सबको गुमराह करने के लिए एक ही चाल नहीं चलता एक ही हरबा नहीं अपनाता जाहिल के लिए अलग उसका हरबा है आलिम के लिए अलग है आबिद के लिए अलग है मुजाहिद के लिए अलग है अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के लिए अलग है जो जिस दर्जे का नेकी का काम करता है शैतान उसको उसी लिहाज से गुमराह करेगा ताकि नेकी से दूर करे और गुनाह पर अगर है तो उसी लिहाज से उसके गुनाहों में इत्मीनान दिलाएगा गुनाहों पे और सजा कर पेश करेगा कि इस पे कायम रहे पहला मसला साबित हुआ कि वक्त और हालात के लिहाज से शैतान इंसानों को गुमराह करता है दूसरा मसला चाहे जितनी ताकतवर कौम हो जब अल्लाह का अजाब आता है तो अल्लाह के अजाब के आगे कोई नहीं बच पाता कौमे आद या कौम सबूत अपने जमाने की इतनी ताकतवर कौम थी कि कहते थे कि मन अशद्द मिन्ना कु जमीन में हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है आज है ना दुनिया के अंदर मुल्कों के सरबराह और बाज सरकश कहेंगे ना कि हम दुनिया के हाकिम हैं, हमारे हिसाब से रहना होगा आप देखते होंगे दुनिया में कैसे आप दनदनाते हैं लोग कुफर की ताकतें चैलेंज करती है मन अशद्द मिन्ना कुह वह कौमे भी चैलेंज करती थी मगर जब अल्लाह का आजाब आया तो अल्लाह ने उन्हें दबोच लिया तीसरा मसला जो साबित होता है कि इंसान पर शैतान मुसलत किया जाता है गुमराह के लिए और शैतान इंसान का पीछा करता है चौथा मसला कि इंसान को हमेशा अपनी नेकियों के बारे में भी अल्लाह से कबूलियत की दुआ करनी चाहिए और शैतान के शर से बचने की दुआ करनी चाहिए वर नेकी करते करते शैतान उसी में आपको गुमराही के रास्ते पे लेके चला जाएगा नियतों का फतूर दिखावा रेकारी और फिर गुमराही को नेकी बताकर पेश करेगा इसी तरह पांचवा मसला जो साबित होता है इनायतों से कि जब कोई अमल शरीयत के मुखालिफ होगा तभी शैतान उसे सजा के पेश करेगा शरीयत के मुताबिक होगा तो फिर शैतान उसमें दूसरे रास्ते से गुमराह करेगा रियाकारी, दिखावा जोर मना इंसाफी अलग, अलग अलग अंदाज में तो खसूस रियाकारी और दिखावे को वो नेकी और तरक्की बताएगा यानी अलग अंदाज में गुमराह करेगा छठा जो मसला साबित होता है कि कभी बुराई इंसान की गुमराही का सबब बन जाती है हर बुराई नहीं बाज़ बुराइयां गुमराहि का सबब बन जाती है। हैं बाज़ बुराइयां छोटी मोटी होती हैं आदमी तोबा कर लेता है या नकियाँ उन्हें मिटा देती हैं इन हसना तयन सयात नकियाँ बुराइयों को मिटा देती हैं लेकिन बास बुराइयाँ जिनपे आदमी कायम रहे तो उसी का अल्लाह ने जिक्र किया कि वजयम शैतम फसद अन जब शैतान उनके गुनाहों को सजा के पेश करता है तो फिर उनको सीधे रास्ते से रोक देता है और जब शैतान ने सीधे रास्ते पर रुकावट कर दी खत्म मामला आदमी वहीं से ज़ीरो हो गया हेराकत के रास्ते पर पहुंच गया अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ताकत क़ुव्वत इज्जत शोहरत, नेमत, सारी चीज़ों की कद्र की तोफीक बख्शे शैतान के शर फसादर बहकावे से हमारी हिफाज़त फरमाए और जिन कौमों का अजाब की शक्ल में और अजाब के बाद अल्लाह ने उनकी कौमों का जिक्र किया कि ज़रा अकलमंदो नसीहत हासिल करो अल्लाह उनके वाक़ से हमें नसीहत हासिल करने की तोफ़ी अतः फरमाए आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर नाजर ने किरम समूद के बाद अब हम कारून और फिरौन और हामान का जिक्र करेंगे इनशा आयत नंबर पन्तालीस की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए अल्लाह आपको जना फरमाए असलकमल वबरक समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउून ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें